हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा प्रॉस्पेक्टस। एग्जाम से रिलेटेड अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगते हैं इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, आज हम उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, द अमाउंट ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू अप्लाई फॉर शेयर्स शुड बी एट लीस्ट परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। बताइए क्या लगता है आपको, कितना मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंग? 5%, 10%, 20% या 25%? देखिए यहाँ पर बात करें तो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करें जो कि रिवाइज हो चुका है, तो वहाँ पे जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो दी हुई है अकॉर्डिंग टू दी सेबी, उन्होंने कहा है कि ये एटलीस्ट 5% से 25% तक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अमाउंट पूछा गया है मिनिमम एप्लीकेशन मनी, तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी की यहाँ पर बात करें तो वो हो जाएगा यहाँ पर 5% एटलीस्ट, ठीक है। और ये हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए कितना, 25% से ज़्यादा। तो मिनिमम हमारा यहाँ पे 5% होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट इश्यू इस प्रॉस्पेक्टस विद इन, यानी कि जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपना प्रॉस्पेक्टस कितने दिनों के अंदर इश्यू करना होगा? 30 days, 60 days, 90 days या 180 days? आप प्रॉस्पेक्टस के बारे में तो जानते होंगे, प्रॉस्पेक्टस वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि कंपनी किस तरह से शेयर इश्यू करेगी, क्या उसका प्रोसीजर होगा, और जब वो शेयर का डिविडेंड देगी वो किस तरह से होगा, यानी कंपनी की सारी जो भी उनकी ट्रांजेक्शन्स होंगे या कंपनी के जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो किस तरह से करेगी, ये सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में दी होती हैं जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर पूरा एनालाइज करके अपना ये डिसीजन बना सकता है कि उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आंसर करिए, देखिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब इशू करती है अपने प्रोस्पेक्टस को, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है उस डेट से विद इन 90 days के अंदर उसे अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन 90 days हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी कि जब हम प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे उस डेट से लेकर, अ कंपनी शैल नॉट स्टार्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर टिल द बिगनिंग ऑफ, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शेयर को अलॉट नहीं कर सकती है या फिर उनको स्टार्ट करना नहीं शुरू कर सकती अलॉटमेंट के लिए। बताइए 3rd day, 5th day, 7th day या 10th day? देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये आप याद रखिए, जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है वो एक इनविटेशन लेटर होता है जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है उनके शेयर को बाय करने के लिए। अब एक कंपनी जो है वो अब जब तक अपने जो अलॉटमेंट जो होता है अपने शेयर्स का, वो 5th day जो भी उसका प्रॉस्पेक्टस इशू करा है उस डेट से लेके 5th day तक वो अपने अलॉटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती, 5th day के बाद वो अपने अलॉटमेंट को स्टार्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2, 5th day राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रॉस्पेक्टस इश्यूड बाय अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स व्हेन इट इश्यू। बताइए कब वो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगी, बोनस शेयर, राइट शेयर, शेयर टू पब्लिक या फिर शेयर इन कन्वर्जन ऑफ लोन एंड डिवेंचर? बहुत ही सिंपल है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है अगर आपको सेक्शंस भी याद हैं तो उनको भी मेंशन करिए, इससे क्या होगा आपका रिवीजन भी होता रहेगा, तो आप सेक्शंस भी मेंशन जरूर कीजिएगा। बताइए क्या लगता है इसका आंसर आपको।
देखिए बात करें सेक्शंस की, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो है वो इन्फॉर्म की जाएगी लॉफुल पर्पस के लिए 7 और मोर पर्सन्स के साथ, ठीक है, यानी कि वो वहाँ पर फॉर्म होगी, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा 7 या 7 से ज़्यादा लोगों के साथ। कौन सी कंपनी की बात की जा रही है? पब्लिक कंपनी की, ठीक है, वहाँ पर कंपनी जो है जब फॉर्म होगी तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, और पब्लिक कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स के थ्रू है, तो यहाँ पर उसकी जो कैपिटल है वो अपनी कैपिटल कैसे रेस करेगी? अपने शेयर को सेल करके, ठीक है, तो यहाँ पर जब वो शेयर को सेल करेगी तो किसी भी पब्लिक को कंपनी को अगर अपने शेयर सेल करने हैं तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस को इश्यू करना होगा, तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने के लिए क्या करना होगा? उसको अपने पब्लिक को इनवाइट करना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, जब वो अपने शेयर्स को पब्लिक को इश्यू करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया जाता है कंपनी को, वो प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए इशू किया जाता है कि वो पब्लिक को इनवाइट करे कि आइए और आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए हमारे शेयर्स को परचेस करके, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अ पब्लिक कंपनी शुड इशू प्रोस्पेक्टस विद इन, अब एक पब्लिक कंपनी को कितने दिन के अंदर जो अपना प्रोस्पेक्टस है इशू कर देना चाहिए? 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, 90 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, या फिर 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन? बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर? ये अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है तो जब वो इनकॉर्पोरेट होगी या जब वो रजिस्टर्ड होगी उससे 90 डेज के अंदर उसको अपने प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ कंपनी कंपनीज प्रोस्पेक्टस द ऑडिटर लाइबिलिटी इनकर्स, कोई भी मिस स्टेटमेंट होता है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में तो ऑडिटर की क्या लाइबिलिटी होती है? सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है तो थोड़ा सा अच्छे से सोचिए क्या लाइबिलिटी हो सकती है, फिर आंसर कीजिएगा। क्या आपको लगता है सिविल होगी लाइबिलिटी, क्रिमिनल होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, या नन ऑफ दी अबव होगी? अच्छे से आंसर कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रही है वो क्यों कर रही है? अपने फंड को रेज करने के लिए, ठीक है, क्यों करती है? जिससे कि जो इन्वेस्टर हैं वो कंपनी में आए और उनके शेयर्स को परचेस करें, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी इनवाइट कर रही है पब्लिक को, किसके लिए? शेयर्स को परचेस करने के लिए, जिससे कि उन्हें फंड मिल सके और वो कंपनी को रन कर सके, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इतनी सारी चीज़ों में ऑडिटर का नाम सुना कहीं? मैंने कहा कि कंपनी ने पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू किया शेयर को परचेस करने के लिए ताकि वो फंड रेज कर पाए, लेकिन इन पूरी एक्टिविटी में ऑडिटर का नाम कहीं भी नहीं आ रहा है। तो जब ऑडिटर का नाम कहीं भी नहीं है तो अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट है तो उसकी लायबिलिटी यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हो रहा है कंपनी से शेयर होल्डर के बीच, ठीक है, यहाँ पे ऑडिटर की किसी भी तरह की कोई भी लेन देन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो ऑडिटर की लायबिलिटी होगी वो होगी नन ऑफ दी अबव। किसी भी तरह के मिस स्टेटमेंट है या फिर प्रोस्पेक्टस में कोई भी चेंजेस हैं वो सारे और सारे कंपनी की लायबिलिटी के अंदर आते हैं, कंपनी इन सब चीज़ों के लिए लायबल होगी, ना कि अदर पर्सन या फिर अदर मेंबर कंपनी के ऑडिटर, यहाँ पर कंपनी इटसेल्फ लायबल होगी इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और सारी चीज़ें कंपनी के द्वारा रन की जाती हैं, तो हर चीज़ के लिए कोई भी
किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट है तो कंपनी ही लाइबल रहेगी। तो यहाँ पे ना सिविल है, ना क्रिमिनल है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल है, नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे प्रोस्पेक्टस में। मुझे इसके अलावा और भी क्वेश्चन नहीं लगे थे जो पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फेस वैल्यू से रिलेटेड होते हैं, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड होते हैं। प्रोस्पेक्टस कब इश्यू किया जाना चाहिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस कितने दिन के अंदर इश्यू किया जाता है और कौन लायबल होता है, बस इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोस्पेक्टस में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि अभी भी आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है या प्रोस्पेक्टस में अभी भी आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हमें लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है तो हम प्रोस्पेक्टस पे एक थ्योरी क्लासेस भी कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा हमारे आउट ऑफ रीच है या फिर हम इसको जितना भी पढ़ने की कोशिश करते हैं वो फिर भी हमारे टच में नहीं आ रहा है, तो हम ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम उस पर थ्योरी क्लास भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतने में आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, और जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।